फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। यूपी पुलिस वैसे तो हमेशा ही अमानवीय कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। पुलिस कब कौन सा नकाब पहनकर सड़क पर उतर आए, ये शायद भगवान भी नहीं जानता। ऐसे ही दो उदाहरण पुलिस ने पेश कर दिए, जिससे पुलिस का विकृत चेहरा मानवीय दिखाई देता है तो दूसरी तरफ पुलिस का कारनामा देखकर उसको धिक्कारे बिना नहीं रहा जा सकता। एक तरफ जहां मेरठ पुलिस ने जिंदा दिल्ली दिखाते हुए हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी में रात को निकलकर सीओ दौराला संजीव देशवाल के नेतृत्व में गरीबों को कंबल बांटे, तो दूसरी तरफ सदर बाजार पुलिस ने भी अपनी तनख्वाह से चंदा करके गरीबों के लिए कंबलों का इंतजाम किया। वहीं मोदी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस का बीती रात खौफनाक चेहरा देखने को मिला। चौकी मोदीपोन के चौकी इंचार्ज संजीव चौहान ने गरीब का मूंगफली का ठेला लात मारकर पलटते हुए सारी मूंगफली सड़क पर फेंक दी। पुलिस की क्रूरता यहीं नहीं रुकी, उसने इस गरीब व्यक्ति की लात घूंसों व थप्पड़ों से जमकर पिटाई की, उसे वहां से भगा दिया। बाद में ये मामला SSP के संज्ञान में आया तो उन्होंने CO मोदीनगर से जांच कराई, जिसमें चौकी इंचार्ज दोषी पाया। SSP सुधीर कुमार ने आरोपी दारोगा को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए firstbite.tv।